हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस मतलब इस वीडियो सीरीज़ में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर को देख के, जितना भी होगा अभी तक का क्वेश्चन पेपर, आप उसको कैसे देख के पता लगाएंगे कि किस यूनिट से कहाँ कहाँ के क्वेश्चन उस यूनिट में आए हैं पेपर में। तो उसके बेसिस से आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, नहीं इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे FB और ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, जिसमें आपको अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें बताते हैं कि इस यूनिट से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उस यूनिट से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्टली वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप बता सके कि कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आप ये नहीं समझते कि वो चीज़ें हमारे लाइफ के लिए कितने वैल्यू है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट से ये हमारा ये मतलब होता है एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट बताता है, बोलता है भाई इस यूनिट के ये टॉपिक्स पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स दोज क्वेश्चन आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी, जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी यूनिट के पार सेक्शन बी के बारे में, यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे। और इसमें मैं वही जून 2016 पेपर का सेक्शन सी यूनिट एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो क्वेश्चन थे वो उस यूनिट में किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, जिससे कि आप फिर फर्दर वो टॉपिक बुक में ढूंढ सके, जो भी आपका पाथफाइंडर टाइप का बुक होगा या रेफरेंस बुक होगा, उसमें आपको वो चीज़ें ढूंढनी है और पढ़नी है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आपका क्लियर माइंडसेट जो है क्लियर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, और फिर कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए, जो हमसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिल जाता है। क्योंकि इवेंचुअली आप तो यही चाहते हैं ना कि वो टॉपिक मैं पढ़ूँ, वो चीज़ें मुझे कोई बताए जो एग्ज़ाम में आए, और वही उसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं, चलते हैं सेक्शन सी जून 2016 में, यूनिट नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी में। ओके, तो यहाँ पे मैंने टैब्स खोल के रखे हैं। देखते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में पहला तो ये जो भी पेपर है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो 71 नंबर पे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेक्शन सी में क्वेश्चन जो भी स्टार्ट होते हैं वो 71 से स्टार्ट होते हैं सेक्शन सी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पर मोल फॉर द रिएक्शन ए टू बी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओपन सिस्टम इज -1000 कैलोरी पर मोल, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी when the concentration of A and B are 100 micromolar and 100 millimolar। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा रूई है A जो है B में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्री एनर्जी दिया है -1000 कैलोरी पर मोल, फिर पूछ रहा है कि अगर A का कंसंट्रेशन 100 माइक्रोमोलर है और B का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 100 millimolar है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताने जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे भी नहीं आता है अच्छे से, क्योंकि मेरा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है। तो इसके लिए फार्मूला है वही डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln वाला, तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आया कहाँ से। अगर आप टॉपिक्स की बात करते हैं, चलते हैं, ये हमारा सिलेबस है CSIR का, और अगर हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ये है यूनिट, देखते हैं ये कहाँ से आया। जो फ्री एनर्जी चेंज आता है, एक्चुअली ये है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट या बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट। तो डी और ई में थर्मोडायनेमिक्स, ये जो 71 नंबर वाला क्वेश्चन आया है ये कहाँ से है, थर्मोडायनेमिक्स से है या बायो एनर्जेटिक्स के है। यहाँ पे लगभग हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्री एनर्जी चेंज में, नहीं तो हम अभी सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे आगे की वीडियोस में, तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक हॉटस्पॉट करके दूंगा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ मार्क करना है कि 71 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, बायो एनर्जेटिक से या थर्मोडायनेमिक से। वैसे इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला सही है, सारा आप रखेंगे उसका वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू रखेंगे, RT ln
और फिर बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए, और फिर यूनिट्स को प्रॉपरली रखेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये इधर है 72। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लिक एसिड। फर्स्टली यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें मिल गई, इंडिकेट विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, इसका मतलब आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्टली देखेंगे इसका आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस इन द मेजर एंड माइनर ग्रुप्स ऑफ डीएनए इज एब्सेंट। क्या आपको लगता है कि माइनर और जो मेजर ग्रुप्स होते हैं डीएनए, फर्स्टली मेजर और माइनर ग्रुप्स होते क्या हैं, ये आपको पढ़ने कहाँ पे पढ़ने से पता चलेगा, जब आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, मेजर और माइनर ग्रुप से डीएनए के बेसिस एब्सेंट नहीं होते हैं। सेकंड में आते हैं, बोथ यूरेसिल एंड थायमिन हैव अ मेथिल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजीशंस। ऐसा भी नहीं होता है, जब आप न्यूक्लिक एसिड में, मैंने बोला ना, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यूरेसिल और थायमिन का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मेथिल ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है। ओके, थर्ड है द बैकबोन, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड वाला था ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला जो है द बैकबोन डाईहेड्रल एंगल्स ऑफ अल्फा हेलिसेस एंड बीटा सीट्स आर वेरी सिमिलर, ओनली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न इज डिफरेंट, इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये गलत है, जब आप अल्फा हेलिसेस और बीटा सीट जो कि प्रोटीन कन्फर्मेशंस का पार्ट है वो पढ़ेंगे तब आपको आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना चाहिए, पार्ट सी आपने खोला 71 क्वेश्चन देखा, ये आया फ्री एनर्जी, तो आप फ्री एनर्जी पे जाइए, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस से उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, फिर आप 72 पे आइए। देखें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कन्फर्मेशन के बारे में पूछा है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये देखो दो क्वेश्चन को मिल, दो टॉपिक्स को मिला के बनाया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। फोर्थ ऑप्शन जैसा है इसका, अ बीटा टर्न इज फॉर्म बाय 4 अमीनो एसिड्स, द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटरमाइंड बाय द डाईहेड्रल एंगल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड अमीनो एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये वाला सही है, जब आप प्रोटीन कन्फर्मेशन पढ़ेंगे उसमें अल्फा टर्न बीटा टर्न ये सारा, तो उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो हम देख लेते हैं फिर सिलेबस में ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो जब आप पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, प्लस स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे न्यूक्लिक एसिड, तो आपको बेसिस के बारे में पता चलेगा, और फिर कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब आपको टर्न्स के बारे में पता चलेगा। तो ये चीज़ें मार्क करते रहिए, आप वहाँ से जाइए, मैंने बोला है सीएसआईआर का सिलेबस बेस्ट है, वही आपको पढ़ना है, तो मार्क कीजिए और यही पढ़िए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 4 सही होता है। 73 देखेंगे, 73 इधर तो हिंदी में दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, ये इधर 73 आ गया हमारा, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन चल रहा है तो आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। अ रिसर्चर ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोफाइल, ऑक्सीजन कंजप्शन अपॉन एडिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एट टाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन आप जब वहाँ पर पढ़ेंगे कैसे होता है, इन चीज़ों का रोल क्या होता है, DPPI का, डाइनाइट्रोफिनॉल का जो कि अनकपलर है, क्या होता है अनकपलर, ऑलिगोमाइसिन क्या है, ATPase इनहिबिटर, साइनाइड है, सक्सिनेट है। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में, तो आप पहले तो आपको बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता है होता क्या है, फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रग्स के नाम बताए जाते हैं या सबस्ट्रेट के नाम बताए जाते हैं जो उस रिएक्शन पे इफेक्ट कास्ट करते हैं, उनमें से ADP और PI है, अनकपलर है, ऑलिगोमाइसिन है, ATPase इनहिबिटर, ये सारे एक्टिविटी कैसे करते हैं और उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन में क्या रोल है, उससे आप ये चीज़ पता कर पाएंगे। और आपको बता दूं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि इस यूनिट के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है, लेहनिंजर का, तो आप जो है 71 वाला क्वेश्चन, 71 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 13 है आपका लेहनिंजर में, वहाँ से आपको मिलेगा। 72 का जो मैंने बताया आपको न्यूक्लिक एसिड और ये सारा, वो आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, ठीक है। अब ये 73 वाला, अब जाएंगे आप चैप्टर नंबर 19 में,
तो वहाँ पे टॉपिक जो है 19.2, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 19, तो ये सारी चीज़ें मार्क करके रखिए, आपको पढ़ना क्या है, यही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है वही टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन तो आपका इसी हिसाब से सॉल्व हो ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है पार्ट सी के 73 वाले का, वो सही होगा फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है एक्चुअली है क्या, वो ए है, एडीपी एंड पीआई। जब आप एडीपी और पीआई मिलता है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है। सेकंड क्या है, सी है, ऑलिगोमाइसिन है, एटीपी जेनरेटर है जो कि ऑक्सीजन कंजम्पशन को रोक देता है। फिर थर्ड जो आता है वो बी है, एन अनकपलर है जो कि एटीपी सिंथेसिस को रोक देता है लेकिन ऑक्सीजन कंजम्पशन होता रहता है। तो जब आप वो पढ़ेंगे, बल्कि यही पूरा ग्राफ उठा के दे दिया है बुक से, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप चलते हैं 74 क्वेश्चन पे। अ रिसर्चर हैड डेवलप्ड अ प्रोग्राम टू इवेल्युएट द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन बाई सब्सटीट्यूटिंग ईच अमीनो एसिड एट अ टाइम बाई द अदर 19 अमीनो एसिड्स। फॉर अ प्रोटीन रिसर्चर हैज ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस इन स्टेबिलिटी अपॉन सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन लूप्स हेलिसिस। ये सारे टॉपिक्स मार्क करिए, पहले जाके पढ़िए इनको, तब आइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लूप्स क्या हैं, हेलिसेस क्या हैं, शीट्स क्या होती हैं प्रोटीन में, ठीक है। आप प्रोटीन सरफेस कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, अमीनो एसिड के सब्सटीट्यूशन में कैसे, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें दिया है, ठीक है। ये देखिए इसमें स्टेबिलिटी, फिर इधर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, फिर इधर चार्ट दिया गया है। जीरो से नीचे जाएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है अमीनो एसिड के चेंजेस पे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हेलिक्स का हाफ पार्ट नीचे हाफ पार्ट ऊपर है, इसका मतलब ये टॉलरेंट है अमीनो एसिड के चेंज पे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सीड्स के बारे में देखेंगे तो इसमें डिक्रीज ही हुआ है ज़्यादा, इसका मतलब अमीनो एसिड के चेंज होने पे सीड्स के स्टेबिलिटी पे डिक्रीज आ रहा है। लूप्स के बारे में बात करेंगे तो जब हम अमीनो एसिड चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि लूप्स का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। फिर सेकेंड ग्राफ में देखेंगे सरफेस में क्या है, सरफेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये जो बार आपको दिख रहा है ये इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है, कोर वहीं पे डिक्रीज़ हुआ है। फिर कह रहा है सब्सटीट्यूशन, अब इसके बेसिस पे आप इसका आंसर देना है। ये आप अगर टॉपिक ना भी पढ़े रहे फिर भी आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लूप्स आर मोर टॉलरेंट, तो टॉलरेंट कौन होगा जिनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और लेस टॉलरेंट कौन होगा जिसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो इसमें आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, ए एंड सी वाला करेक्ट है, लूप्स आर मोर टॉलरेंट। क्यों, ये देखो जब अमीनो एसिड का चेंज कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब है लूप्स बहुत टॉलरेंट है। और सी वाला क्यों सही होगा, कोर इज़ लेस टॉलरेंट, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिक्रीज इसमें हुआ है तो इसीलिए ये लेस टॉलरेंट है। और सारे आप देखेंगे तो इससे मैच नहीं होगा, जैसे सीड्स आर मोर टॉलरेंट, सीड्स देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये टॉलरेंट नहीं हो सकता है। डी पे देखते हैं हेलिसेस आर लेस टॉलरेंट, तो हेलिसेस मतलब ये हेलिक्स, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज दोनों में बराबर है, तो लेस टॉलरेंट नहीं कहा जा सकता। ई में आएंगे, ई सरफेस इज़ मोर टॉलरेंट, तो सरफेस जो है यहाँ पे ये मोर टॉलरेंट तो है, लेकिन अगर हम ई की बात करेंगे तो ई आया किस में है, बी यानी थर्ड ऑप्शन में, तो हमें बी भी चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बी तो हमारा गलत है, तो इसीलिए ए और सी वाला जो दोनों कॉम्बिनेशन है वो सही है, इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, इंडिकेट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। और हाँ, ये आपको मैं बता दूँ, ये जो टॉपिक है फिर से प्रोटीन कन्फर्मेशन में आया है जो कि चैप्टर नंबर 4 है लहिंजर में। फिर 75 क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, इसमें कह रहा है इंडिकेट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को पहचानना है इनका नाम क्या है। चार दिए गए हैं स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 में लहिंजर में आपको मिलेगा, वहाँ पे जो साइट्रिक एसिड साइकिल होता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शंस पे चलते हैं, ये देखो दिया है, ए आइसोसाइट्रेट है, बी अल्फा क्यूटोग्लूटामेट है, सी ऑक्सैलोएसीटेट है, और डी साइट्रेट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 75 में सेकंड वाला सही है। जब आप पहले का स्ट्रक्चर आपको देखना है, जब क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल आप अच्छे से पढ़े होते हैं तो आप सारी चीज़ों को पहचानते हैं, उसमें साइट्रेट कौन है, आइसोसाइट्रेट क्या है,
जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसके बेसिस से आप पहचान सकते हैं, सी वाला क्या है अल्फा कीटो ग्लूटरेट है और बी क्या है साइट्रेट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स। ओके 75 यहाँ पे हो गया, ये बेसिक था, ये साइट्रिक एसिड साइकिल से क्वेश्चन आया है। अब 76 पे चलते हैं, ये आया है क्वेश्चन क्या है, ये टर्न ओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जिसका मॉलिकुलर वेट 40,000 डाल्टन है इन अ रिएक्शन जिसका वी मैक्स कितना है 4 माइक्रोमोल ऑफ सब्सट्रेट रिएक्टेड पर मिनट, एंजाइम का अमाउंट कितना है 2 माइक्रोग्राम। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है जैसा कि पहला वाला था 71 वाला, और ये भी कहाँ से आया है एंजाइम एंड देयर कैटालिसिस से, ठीक है ये वाला एंजाइम प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस से। यहाँ पे टर्नओवर एंजाइम टर्नओवर नंबर या एंजाइम स्पेसिफिसिटी का यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला मेरा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है तो इसीलिए ये मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है तो अभी आप देखेंगे जब 71 वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था, 71 वाला क्वेश्चन आया था फ्री एनर्जी था तो वो थर्मोडायनेमिक्स से आया था, ठीक है, और फिर ये वाला बायो एनर्जेटिक थर्मोडायनेमिक्स या बायो एनर्जेटिक से आया था। 72 वाला क्वेश्चन जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कन्फर्मेशन से था, तो कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन या बेसिक्स से पढ़ने के लिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं 73 में जो कि आया था इसमें एटीपी यूटीपी पूछा था, ये एक्चुअली कहाँ का है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। फिर 74 जो क्वेश्चन था सरफेस हेलिक्स लूप वाला वो आया था आपका कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन से। 75 वाला कहाँ से आया था एक बार फिर से आया था ग्लाइकोलिसिस से आया था वहाँ पे, ठीक है ये। और फिर लास्ट वाला जो था एंजाइम टर्नओवर एक बार फिर से कैटालिसिस ऑफ एंजाइम से आया था। तो ये चीज़ें मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं और मैं आपको हर पेपर के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा। ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आगे के वीडियोस देखते रहिए, उसमें आपको पता चलेगा कि जो यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं उसका टॉपिक कौन कौन सा है, और यही चीज़ होती है कि हमें टॉपिक पढ़ना क्या है, कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो चीज़ एग्ज़ाम में आता है वही इम्पॉर्टेंट आप समझते हैं, तो ये इनडायरेक्टली उसको देखना होता है इस वीडियोज़ के माध्यम से। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू वंस अगेन।